जय झूलेलाल। उल्लासनगर जो सिंधी खाधो नवी मुंबई में खाइणो अथव तो अचो यार। उल्लासनगर का दाल पकवान बहुत अच्छा रहता है, उल्लासनगर की बटर पापड़ी बहुत अच्छी रहती है, उल्लासनगर का ये अच्छा है, उल्लासनगर का वो अच्छा है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके लिए यहाँ पे एक उल्लासनगर खोलता हूँ, यहाँ पे एक उल्लासनगर ला रहा हूँ। जय झूलेलाल। सो आज का जो वीडियो है अगेन एक बार सिंधी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपको पता है मेरा जो लगाव है सिंधी खाने के लिए। वैसे तो सारे ही ऑलमोस्ट इंडियन रीजनल फूड्स मुझे पसंद आते हैं, बट जो सिंधी फूड है इसकी मेरे दिल में खास जगह है। और मैंने आपके लिए उल्लासनगर वाला सिंधी खाना नवी मुंबई में ढूंढ के निकाला है, तो आज वही दिखाने वाली हूँ। चाहे वो पेटल्स छोले हो, दाल पकवान हो, या बटन पापड़ी, जो कि आपने मुंबई नवी मुंबई में तो कहीं भी नहीं सुना होगा, वो ही आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पे ना, मतलब आप यहाँ पे आके शॉप में देखोगे तो सिंधी चाट तो आपको मिलेगी, और आपको टाइम पास के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, जा सिमरन जा, खा ले अपनी पानीपुरी, एक बटन पापड़ी की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू और सारे। तो मतलब आपके लिए टाइम पास का भी यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है, वो सारा कुछ आपको दिख जाएगा। खाना खाते खाते फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय भी कर सकते हो। ऑथेंटिक सिंधी फूड के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर ज़रूर देखें। और हाँ, एड्रेस भी आपको बता देती हूँ हमेशा की तरह। सो अगर आप वाशी स्टेशन के बैक साइड से आ रहे हो, या पाम बीच रोड से आ रहे हो, कहीं से भी, ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है और ओनली 5 to 6 मिनट्स में आप वहाँ से पहुँच जाओगे। सो दिस इज सीवुड गार्डन अपार्टमेंट शॉप नंबर 5, और ये मुराद सर्कल के पास में है, सेक्टर 17 सानपाड़ा में। एंड इसका गूगल लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो चलो कहाँ से स्टार्ट करें, दाल पकवान से स्टार्ट करें। जय झूलेलाल। ये हम लोगों ने 2016 में वीगन सिंह चाट वाला चालू किया था उल्लासनगर में। वहाँ पे हमारा बहुत फेमस है, जैसे दाल पकवान हुआ, पेटे छोला हुआ, दाल समोसा हुआ, दाल सैंडविच हुआ, और स्पेशली हमारा चाट है जो पानीपुरी, सेवपुरी, दही पूरी, भेलपुरी, दही वड़ा हुआ, दही मिर्ची हुआ। तो हम एक पॉपुलर सिंधी प्लेस में आए खाना खाने के लिए। सो पॉपुलर सिंधी खाना जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले दाल पकवान का ही नाम याद आ जाता है। वैसे तो काफ़ी सारी सिंधी डिशेज ऐसी है ना जो यहाँ पे मिलती है, क्योंकि स्पेशली सिंधी फूड का ही शॉप है। पर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ दाल पकवान से, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको हर जगह पर नहीं मिलेगी। सो पकवान की साइज़ काफ़ी बड़ी है, एंड ख़ास बात ये है ना कि ये पकवान जो इनकी उल्लासनगर वाली शॉप है ना, वहाँ से बन के आते हैं। एंड कुछ और चीज़ें भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी जो उल्लासनगर से स्पेशली आती है। तो उल्लासनगर वाला स्वाद आपको नवी मुंबई में भी मिलने वाला है। और ये जो दाल है ना, ये एकदम डिफरेंट है। कुछ जगहों पे आपको मुंबई, नवी मुंबई में दाल पकवान मिलता है, बट वो चने की दाल होती है, थेक वाली। यहाँ पे जो दाल पकवान है ना, आप देखोगे तो 3 दाल्स को मिक्स किया जाता है, जैसे बिल्कुल उल्लासनगर की याद आ रही है मुझे, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था। अगर आपने मिस किया हो तो वो वीडियो ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल पर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। सो इसमें डाली है चने की दाल, थिक बनाते हैं, एंड ऑल्सो हरी मूंग की दाल, एंड ऑल्सो येलो मूंग की दाल। 3 तरह के दालों का मिक्स है इसमें, एंड उसके ऊपर से जो चटनियाँ वगैरह डालती है, पहले खाती हूँ और फिर बताती हूँ, क्योंकि अब और नहीं रुका जा रहा है मुझसे, इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। एकदम चटपटा, इसमें टैंगीनेस भी आ रही है, इमली की चटनी है, एंड हल्का सा, बहुत हल्का सा तीखापन, जैसे मिक्स्ड फ्लेवर्स है, सब बैलेंस्ड है इसमें। अच्छा, कोई भी एक चीज़ डोमिनेंट नहीं है, सारा कुछ मिक्स टेस्ट है। 3 दालें हैं, तीनों को आप मिक्स करके खाओ, या आपको चाहिए तो आप प्लेन आई थिंक रिक्वेस्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। बट ये जो इन्होंने दिया है साथ में, ये फ्राइड मिर्ची भी इन्होंने सर्व की हुई है, पिकल चिली, इट्स वेरी नाइस, अमेजिंग। जो चने की दाल है ना, दैट इज प्रॉपरली कुक, मतलब आपको दाना दाना उसमें दिखाई देगा, बट वो एकदम अच्छे से कुक की हुई है, एंड सो आर द अदर 2 दाल्स। बट चने की दाल को थोड़ा टाइम लगता है, प्रॉपरली नाइसली डन। फैमिली जाती है साथ में, फ्रेंड्स आते हैं, जैसे बच्चों के ग्रुप्स आते हैं, जैसे दूसरे चीज़ के आइटम्स हैं, चीज़ समोसा हुआ, चीज़ रोल हुआ, चीज़ टुकड़ी हुई, गोल्ड फिंगर्स हुए। मुझे यहाँ की पानीपुरी बहुत पसंद है, और गोल फिंगर, चीज टुकड़ी, और भी बच्चों वाले सारे आइटम्स पसंद है।
माई गॉड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पानी पूरीज आई एवर हैड। यकीन मानिए, मतलब मुझे ना जो बहुत ही फेमस एल्को पानी पूरी मिलती है ना, बिल्कुल उसकी याद आ गई। सो ऑल द वे आपको बांद्रा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नवी मुंबई में सिंधी पानी पूरी मिल जाएगी। उनके पास चाट के बहुत सारे आइटम्स हैं, सेव पूरी, दही पूरी, दही कचौरी, दही वड़ा भी यहाँ का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो जो भी यू नो एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इन चाट, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो पानी पूरी में एक प्लेट में आपको 6 पीसेज आते हैं। और नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि क्या खाऊं और आपको दिखाऊं, इतना ज़्यादा टेम्पटिंग है सब कुछ। यहाँ पे भी आप देखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो फ्राइड है। कचौरी दिखाई दे रही है मुझे, गोल्ड फिंगर करके कुछ अलग सी चीज़ दिखाई दे रही है, सोयाबीन टिक्की है, चीज़ रोल है, चीज़ वाला भी कुछ समोसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लग रहा है मुझे नेक्स्ट क्या ट्राई करना चाहिए, आप कमेंट्स में लिखिए और देखते हैं आगे जाके वीडियो में मैंने वो चीज़ खाई है कि नहीं खाई। और मैं जब से यहाँ पे खोला तो हाफ मंथ से हमको और बहुत सारा रिस्पॉन्स मिला हमको। सो नेक्स्ट मैंने ना दही पूरी लिए ट्राई करने के लिए। एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें देखे ना, मैं तो आपको आप टेस्ट बताना ही भूल गई पानी पूरी का, जो तीखा एंड खट्टा एंड मीठा, जो यूजुअली एक पानी पूरी का टेस्ट होता है ना, मगर एक अच्छी वाली एकदम चिल्ड पानी है। सिंधी पानी पूरी होती है ना, उसमें चिल्ड पानी ही यूज़ किया जाता है, एंड जो सॉफ्ट वाली बूंदी होती है ना सोक करके, एंड आलू वो डाला जाता है तो उसके साथ में। और चिल्ड पानी मतलब इतना चिल्ड है कि इसमें आइस डाल के रखने के बाद में कैसा लगेगा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। एंड ये दही पूरी अभी ट्राई करके देखती हूँ। अगेन इसमें ना फाइनली चॉप्ड अनियंस है, क्रंच टमेटोज डाले हुए, थोड़े से इनकी चटनी जो इन्होंने डाली हुई है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जो एक्चुअली बेस है अच्छी चाट का, तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा है। दही इनका एकदम फ्रेश है एंड चिल्ड है, जिसकी वजह से और भी अच्छी लग रही है। कुछ स्पाइसेस इन्होंने स्प्रिंकल किए विच आर एनहांसिंग द टेस्ट। तो नेक्स्ट अगेन सिंधी पॉपुलर डिश, पेटिस छोले बोल लो आप, समोसा छोले बोल लो, वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। एंड अच्छे से समोसे है ना सेक के एंड पेटिस को सेक के तवे पे बड़े से जैसे रखा जाता है यूजुअली शॉप्स में, और गरम गरम है ना आपको हल्का सा सेक के दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही दिया है। छोले अगर आप देखो ना तो देखते ही आपके मुँह में पानी आ जाएगा, एकदम टेम्पटिंग दिखाई दे रहे हैं एकदम। एंड ऊपर से वो चटनीज वगैरह डाल के बनाते हैं, थोड़ा सा प्याज डाल देते हैं क्रंच के लिए, तो बिल्कुल उसी तरीके से बनाया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेटिस है ना, उसके अंदर चने की दाल स्टफ की हुई है, जो एकदम ना टिपिकल सिंधी पेटिस जैसी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही बनाई है। सो उल्लासनगर में जाओगे तो आपको इसी तरह की पेटिस मिलेगी, और कुछ जगह थाना वगैरह में आप जाओगे ना कोपरी साइड में तो भी आपको ऐसी तरह की पेटिस मिलेगी, मगर इस तरफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। दिस इज़ द ओनली प्लेस आई थिंक जहाँ पे ये खाना मिलता है सिंधी वाला। अगर आपको कोई और जगह पता है ना नवी मुंबई में जहाँ पे सिंधी फूड मिलता हो, सिंधी चाट मिलती हो, तो वो मुझे बताना। अभी फिलहाल एक बाइट लेके देखती हूँ इसका। छोले बहुत अच्छे से गले हुए हैं एंड पेटिस का एक हल्का सा क्रंच आ रहा है, जो उस पर अनियंस वगैरह डाले हुए हैं ना उसका। मुझे पर्सनली थोड़ी सी मीठी चटनी ऊपर से ऐड करके खाना पसंद है, तो मैंने वैसे ही डलवा ली थी इसमें पहले से एक्स्ट्रा। नाइस। एवरी संडे उल्लासनगर से दाल पकवान मंगाता था अपने फ्रेंड्स के लिए, जो अभी उनको यहाँ पे सानपाड़ा मोराज रेसिडेंसी के बाजू में मिलेगा। दाल पकवान मिलेगा आपको, दाल सैंडविच मिलेगा, पेटिस छोला मिलेगा, मतलब ऑथेंटिक सिंधी आइटम्स आपको जो चाहिए सब भरपूर मिलेंगे। अभी आपको उल्लासनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट है ये दाल सैंडविच, विच इज अगेन अ यूनिक डिश ऑल इन इटसेल्फ, सिर्फ सिंधी जगह पे आपको मिलेगा, यानी कि फिर आपको उल्लासनगर जाना पड़ेगा खाने के लिए, यहाँ और कहीं भी नहीं मिलता है। तो जैसे ही मैंने देखा V1 सिंधी चाट में दाल सैंडविच मिल रहा है, तो फिर ये तो ट्राई करना बनता ही था, तो लेट्स ट्राई इट फर्स्ट। सो डिलीशियस दिस इज, बेसिकली आलू का सैंडविच ब्रेड के साथ में बना के तवे पे अच्छे से सेक के एंड फिर उसको प्लेट में रखने के बाद में इसमें येलो मूंग की दाल डाली हुई है। आप वैसे यूजुअली देखोगे ना तो येलो मूंग दाल ऐसे चाट वगैरह की चीज़ों में ऐसे शॉप्स में आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही प्लेन होती है, फ्लैट होती है। बट इंटरेस्टिंगली सिंधी लोग जो दाल सैंडविच बनाते हैं उसमें यही यूज़ करते हैं, और इतना उसको चटाकेदार बनाते हैं बाय द यूज़ ऑफ चटनीज। चटनी डाली हुई है एंड देयर इज कांदा, पापड़ी डाली हुई है, सेव डाला हुआ है, सो ऑल टुगेदर अ कम्प्लीटली डिफरेंट टेस्ट। यू हैव टू ट्राई दिस, अगर आप
प्रॉपर डिनर हम सिंधी डिशेज ट्राई करना चाहते हो तो अगर आप यहाँ पे विजिट करो। सो नेक्स्ट इज दिस मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डिश। कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए बोलूँगी ना मैं क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो उल्लासनगर का किया था और मैंने लिखा था कि हम बटन पापड़ी खा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि कोई बोल रहा था कि ये बटर पापड़ी है, कोई बोल रहा था कि ये बटन पापड़ी है। सो एक्चुअली आपको क्या लगता है कि ये क्या चीज़ है वो मुझे बताना। फिलहाल यहाँ पे तो मेन्यू में अगर आप देखोगे तो बटन पापड़ी लिखा हुआ है। नॉट वाई बटर, बिकॉज जो यूजुअली ना चाय के साथ में बटर मिलता है ना खाने वाले, वो वाले बटर से ये बनाई जाती है। सो एब्सोल्युटली यूनिक वंस अगेन। सो उस बटर को पहले कट किया जाता है एंड फिर उसको जैसे हम सेव पूरी नहीं बनाते तो प्लेट पर रखते वैसे रखा जाता है, बट उसका प्रोसीजर सेव पूरी जैसा नहीं है। आलू ऑफकोर्स उसमें डालते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी पापड़ी डाली जाती है। सो जैसे उसका नाम है बटन पापड़ी, तो पापड़ी इसमें काफ़ी सारी होती है। सेव डाल देते हैं ऊपर से, अगेन कांदा हरा धनिया। एंड उससे भी एक अलग चीज़ है ना, जो चिल्ड वाला पानी होता है ना पानी पूरी वाला, वो पानी जो तीखा वाला पानी होता है ना वो इसमें डाला जाता है। सो ये देखिए इतनी सारी क्वांटिटी मुझे ये दिखाई दे रही है। सो इसका एक बाइट लेती हूँ। तो ये जो बटर है ना बेसिकली ये पूरा सोक हो गया है इसके अंदर, पानी के अंदर, और एकदम यू नो जैसे एब्जॉर्ब कर लिया उसने पूरा का पूरा पानी। सो एकदम ही यूनिक आइडिया जिसने भी ये बटन पापड़ी इन्वेंट की है, बिकॉज वो चिल्ड पानी के साथ में आप और क्या डिश बनाओगे पानीपुरी के अलावा। आई डोंट थिंक एनी अदर डिश इज मेड आउट ऑफ दिस, बट ये जो कॉम्बिनेशन इन्होंने पूरा बनाया है ना पापड़ी के साथ में, ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लग रहा है। अगर आपने ट्राई नहीं किया हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। चिल्ड पानी उसके अंदर पूरा एकदम जो सोक किया हुआ, जो बटर रहता है पानी पूरा एब्जॉर्ब किया हुआ वो, एंड उसके ऊपर ये पापड़ी है तेल डाल के, really taste good. तो 5 to 6 months में हमारे 20 sector 29 में ब्रांच आने वाले हैं और भी बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी। सोया चाप है, मशरूम चाप है, उस मशरूम है, पनीर है जो सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। इसमें बहुत सारी वेराइटीज हैं, अलग अलग फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक फ्यूजन डिश मैं भी आपको दिखा रही हूँ, विच इज भेलपुरी। एक्चुअली भेलपुरी तो आपको हर जगह मिल जाती है बट यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह से फ्यूजन करके दिए जाते हैं, जैसे आजकल यू नो यंग लोगों को पसंद आती है उस तरह से। तो ये लेस भेलपुरी आपको मिल जाएगी जिसमें ये लेस यू नो आपको ऐसे पूरे पूरे चिप्स दिए जाते हैं, उसमें इसको क्रश करके भी डाला जाता है। ऑल्सो ये कुरकुरे वाली भेलपुरी भी आपको मिल जाएगी, अगेन कुरकुरे फुल भी होते हैं क्रश भी होते हैं। एंड सिमिलरली ये नाचोस वाली भेलपुरी भी आपको मिल जाएगी। ये हम लोगों ने खोला है यहाँ पे सानपाड़ा में, मोड़ा रेजिडेंसी के बाजू में ही है, सी वुड अपार्टमेंट शॉप नंबर 5 नियर मोराज रेसिडेंस। टाइमिंग मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 11 o'clock तक। सो प्लीज विजिट, जय झूलेलाल जरूर आइएगा सानपाड़ा में। जय झूलेलाल। सर नेक्स्ट चीज जो मैं यहाँ पे ट्राई करने वाली हूँ वो है ये सोया चाप, और यहाँ की सोया चाप अलग होने वाली है टेस्ट में भी क्वालिटी में भी, क्योंकि ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है। सो यहाँ पे आपको एकदम वेज सोया चाप ही मिला ली। सोया चाप तो वैसे भी वेज डिश होती है मगर जैसे वेजिटेरियंस प्रेफर करते हैं वेज रेस्टोरेंट में खाना, तो इसी वजह से मैंने आपको बोला कि अलग होने वाली है। बाकी ये अफगानी चाप है और अलग अलग फ्लेवर्स भी यहाँ मिल जाते हैं, मसाला चाप, मलाई चाप, पेरी पेरी ऐसे तरह के। सो जो लुक है इसका थोड़ा सा सर्विंग स्टाइल अलग है, बाकी बनाने का प्रोसेस सेम है। उसमें जो चटनी एंड सॉस एंड मेयोनेज़ जो डालते हैं, क्रीम वगैरह वही सब डाला हुआ है, बट बहुत ही ना एकदम बढ़िया ज़ोरदार खुशबू आ रही है। जैसे ये पास में आई ना एकदम चीज़ी वाली जो जो फ्रेशली बेक वाली भी खुशबू होती है ना, उस तरह की कुछ चीज़ वाली खुशबू यहाँ पे आ रही है। सैलड सर्व किया है साइड में, देयर इज ग्रीन चटनी टू। सो एक बाइट लेते हैं इसका। सो एक पीस ट्राई करते हैं चटनी में डिप करके। यम, रॉ अनियन और कैप्सिकम भी इसमें डाला हुआ है जो बहुत ही क्रंची लग रहा है। तो जैसे ये तंदूर में सिकी होती है तो वही स्मोकी वाला फ्लेवर इसमें आ रहा है जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड अगेन अफगानी चाप है तो वही थोड़ा सा यू नो क्रीमीनेस इसके अंदर अच्छा खासा है। एंड जैसे ये बिल्कुल माइल्ड स्पाइसी नहीं के बराबर होता है तो आराम से बच्चे वगैरह भी खा सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। दही भल्ले, नाम तो सुना होगा पर अब पेट में बिल्कुल भी जगह बाकी नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सिंधी फूड लवर्स को टैग कर देना अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि आप फेसबुक पे भी मेरा चैनल सर्च कर सकते हो एक्सप्लोर विद अलका। और जल्दी हम 50,000 की यूट्यूब फैमिली बनने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो।